क्या आप जानते हैं कि मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के बाप को क्यों कत्ल करती है? वो बच्चे बड़े होकर माँ के साथ क्या इबरतनाक काम करते हैं? एक तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीबोगरीब घराना और यकीनन बदतरीन घराना है ना। कुरान मजीद की एक सूरत है अनकबूत। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सबसे बोदा या कमजोर घर मकड़ी का है। कुरान का मौजजा देखें। इसलिए इसी सूरत में अल्लाह पाक ने अपने माँ बाप से हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने वालदैन के साथ अच्छा सलूक करे, और अगर वो तुम पर जोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराओ जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो उनका कहना मत मानो, मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। एक और जुमले में ही इस घराने की पूरी कहानी बयान कर दी है। बेशक घरों में से सबसे कमज़ोर घर अनकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते और अल्लाह ने इसीलिए अपने माँ बाप से हुस्न सलूक का हुक्म भी दिया। इंसान मकड़ी के घर की जाहिरी कमज़ोरी को तो जानते थे, मगर उसके घर की मानवी कमज़ोरी यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से इस कमज़ोरी से भी वाकिफ हो गए हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है, अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमज़ोरियों और दुश्मनी से वाकिफ होते। इस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत का नाम इस बड़ी खतलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तदा यूं है, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान लाए, मगर जब उनको अल्लाह की राह में अजियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक है। दरहकीकत फितने, साजिश और आजमाइश भी मकड़ी की जाल की तरह पेचीदा हैं, और इंसान के लिए उनके दरमियान तमीज़ करना, उनको बेनकाब करना आसान नहीं होता, मगर अल्लाह मदद करे तो ये कुछ भी नहीं होते। और आज का दौर भी फितनों से भरपूर है। हर चीज़ झूठ, हर चीज़ धोखा, हर तरफ मिलावट और बनावट। इस दौरे फितन में जो फितनों में फंस गया बस वो रह गया। अहदीस मुबारक से फितनों का इल्म हासिल करके इनको समझें और पहचानें। अल्लाह पाक हम सबको इल्म हासिल करने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।